स्टार्ट करते हैं बेटा इनकम मेथड के न्यूमेरिकल पहले बहुत जल्दी से रिवीजन ठीक है इनकम मेथड में बेटा कैलकुलेट होता है ठीक है इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई रेंट एंड रोयलिटीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्सड इनकम बेटा इन तीनों की जगह एक वर्ड इस्तेमाल हो सकता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस

ऐसे ही प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं कॉरपोरेट टैक्सेस डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग बेटा कॉरपोरेट टैक्सेस भी दे देता है डिविडेंड भी दे, दे देता है और प्रॉफिट भी दे, दे देता है और आप क्या कर रहे होते हो ऐड कर देते हो उठाकर भाई प्रॉफिट में तीनों चीजें पहले से ही है अगर प्रॉफिट गेवेन नहीं है और मेरे को कॉरपोरेट टैक्सेस डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग गेवन है दोनों तीनों का समीशन कर देना बन जाएगा प्रॉफिट कई बार क्या होता है बेटा प्रॉफिट गेवेन नहीं होता और बेटा इन तीनों में से दो चीजें गेवन होती है तो बेटा वो दो चीजों का सम प्रॉफिट बनेगा जैसे कि जनरली आपको कॉर्पोरेट टैक्सेस और डिविडेंड गिवन होता है रिटेन अर्निंग नहीं होता क्वेश्चन में तो घबराना मत उन दोनों का सम ही प्रॉफिट है ठीक है या ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है रेंट एंड रॉयल्टी दिया है इंटरेस्ट दिया है तो तो क्या करोगे बेटा बस ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ देना बेटा ये तीनों चीजें पहले ही आ गई उसमें अलग अलग रेंट एंड रॉयल्टी को जोड़ने मत बैठ जाना बस इतना ही पेच हो सकता है इनका मैथड अपने आप में सबसे आसान है ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा मेरी बुक में है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी ठीक है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी से स्टार्ट कर रहे हैं चलो जी

Compensation ऑफ employee थाउजेंड रेंट फोर हंड्रेड रोयलिटी टू हंड्रेड ठीक है इंटरेस्ट फाइव हंड्रेड प्रॉफिट फाइव हंड्रेड एंड मिक्सड इनकम थाउजेंड ठीक है तो बेटा कर लो सम इसका थर्टी सिक्स हंड्रेड ये आंसर आ गया सिंपल ठीक है ट्वेंटी वन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन क्या कैलकुलेट करना है हैं जी एन पी एट एम पी ठीक है इनकम मैथड में लेकिन कैलकुलेट होता क्या बेटा एनडीपी एनडीपी एट एट एनडीपीएफसी कैलकुलेट हो जाएगा तब पहुंच जाना जी एन पी एट एमपी तक दिया क्या गया एनआईटी गिवन है डेप्रीसिएशन गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ए गिवन है रेंट गिवन है डिविडेंड गिवन है मिक्सड इनकम दिया हुआ है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर

कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉ हंड्रेड गिवन है रेंट एंड रॉयलिटी सिर्फ रेंट गिवन है रॉयलिटी की कोई बात नहीं है थाउजेंड थाउजेंड है इंटरेस्ट गिवन है एक पॉइंट पर टू हंड्रेड प्रॉफिट बेटा प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है लेकिन मेरे को डिविडेंड भी पता है और रिटेन अर्निंग भी पता है मुझे कॉरपोरेट टैक्सेस नहीं पता तो डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का समेशन हो जाएगा प्रॉफिट यहां पर रिटेन अर्निंग का नाम रिटेन अर्निंग नहीं दिया हुआ क्या दिया हुआ है नाम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग ही रिटेन अर्निंग होती है ठीक है ना बेटा लो डिविडेंड गिवन था 500 और बेटा एज वेल एज सेविंग गिवन है प्राइवेट सेक्टर की 400 हंड्रेड ये मिलाकर बनेगा प्रॉफिट और मिक्सड इनकम मुझे गिवन है 200 लो इसका सम हो जाएगा बेटा एनडीपी एट एफसी कितना हो गया ये 13, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड ठीक है मुझे कैलकुलेट क्या करना है जी एन पी एट एम पी मेरे पास क्या है NDP एट एफ सी एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डैप डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन एफ आई एफ सी को एम पी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन आई टी ठीक है ट्वेंटी फोर हंड्रेड ये गिवन है डेप्रिसन दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में फोर हंड्रेड एन एफ आई ए माइनस में दिया हुआ है ट्वेंटी और एन आई टी मुझे डायरेक्टली गिवन है नाइन हंड्रेड ठीक है थ्री सिक्स एट जीरो आंसर इज थ्री सिक्स एट जीरो सीआर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल नंबर ट्वेंटी टू कैलकुलेट करना है आपको नेशनल इनकम दिया क्या क्या हुआ है ये पढ़ो

बेटा मुझे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है एनएनपी एन एनपीएटसी नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं एनएनपीएट एफ सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई मेरे को गिवन है और अगला बात करता है वेजेस एंड काइंड बेटा जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई है तो उसमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश भी आ गई इन काइंड भी आ गई और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया टू ट्रिपल एस अलग से कुछ मत ऐड कर देना जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई पता है तो वेजेस एंड सैलरी इन काइंड इंक्लूडेड है उसमें साथ ही साथ मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है विच इज इक्वल टू दिस थ्री ठीक है ऑपरेटिंग सरप्लस है बेटा फाइव थाउजेंड कर दिया एड प्लस मिक्सड इनकम मिक्सड इनकम भी गिवन है मेरे को वन सिक्स वन डबल जीरो बेटा इन सबका सम आ जाएगा ट्वेंटी नाइन थ्री फोर फोर डबल जीरो ठीक है मेरे को कैलकुलेट क्या करना है एन एन पी एट एफ सी और मेरे सामने है क्या बेटा एनडीपीएटसी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के प्लस एन एफ आई एबल फोर डबल जीरो गिवन है आपको गिवन है बेटा थ्री हंड्रेड तो आंसर आ जाएगा बेटा थ्री फोर सेवन डबल जीरो ठीक है नेक्स्ट वन बेटा ये सिमिलर है ये आपने करना है ठीक है मैं बोल रहा हूं सोल्यूशन इसका आपने करना है मैं इसका सोल्यूशन नहीं करूंगा बस सिर्फ आंसर बताऊंगा फ्रॉम द द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम कंपनसेशन ऑफ ने पता है रेंट पता पता है है वेजेस एंड सैलरी बेटा जब कंपनसेशन ऑफ तो वेजेस एंड सैलरी को इग्नोर करना नेट एक्सपोर्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम विच इज एन एन पी एट एफ सी पहले एनडीपीएफसी तक पहुंचना फिर एन एन पी एट एफ सी तक ठीक है दो मिनट के लिए पोस्ट कर दो और नोमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो आंसर, आंसर है अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वैल्यू एडेड और इनकम मेथड के कंबाइंड है एग्जांपल नंबर ट्वेंटी फोर एक बार पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट क्या है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और प्रूव करना है दैट इनकम जनरेटेड इज टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है जी बताते हैं इसमें क्या क्या करना है आपको बेटा सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है गिवन क्या क्या है इंक्रीज इन द दिन स्टॉक सेल्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्सड इनकम वेजेस एंड सैलरी एंड डेप्रीसिएशन ठीक है जी देखते हैं बेटा मुझे कैलकुलेट क्या करना है सबसे पहला पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ठीक है सेल्स मुझे गिवन है 10625 प्लस बेटा इंक्रीज इन अनसोल्व स्टॉक यानी कि बेटा इसका डिफरेंस मुझे गिवन है पहले से ही ठीक है तो आंसर विल बी वन ठीक है सेकेंड पार्ट में मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि बेटा एनडीपी एट एफसी लेकिन बेटा वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है सबसे पहले जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा कैलकुलेट कर लिया था तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाना माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा मुझे कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही ठीक है बस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ही है टू सिक्स टू फाइव तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर एटी सिक्स हंड्रेड एटी सिक्स हंड्रेड आ जाएगा बेटा आंसर ठीक है ये जी डी पी एट एमपी आया लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी एनडीपी एट एफ सी तो बेटा पहले फॉर्मुला फ्रेम करना जरा जीडीपीएट एम पी को कन्वर्ट करो एनडीपी एट एफ सी में माइनस डेप्रीसिएशन एंड माइनस एन आई टी चलो जी डेप्रीसिएशन कितना गिवन है आपको सबसे लास्ट फिगर है फाइव हंड्रेड की और एन आई टी बेटा डायरेक्टली गिवन नहीं है आई टी माइनस सब्सिडी बेटा फाइव हंड्रेड ये लेस होगा एट हंड्रेड ये लेस होगा थर्टीन हंड्रेड लेस होना है तो आंसर है सेवन थ्री डबल जीरो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड पार्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्या कहता है कहता है प्रूव करो दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला कहता है प्रूव करो जो इनकम जनरेट हो रही है वो इसके बराबर है बेटा इनकम मेथड में कैलकुलेट क्या होता है एनडीपीएटसी अब समझो अगर मैं इनकम मेथड से एनडीपीएट एफ सी निकाल दू और ये दोनों बराबर आ जाए तो बेटा प्रूव हो जाएगी बात जो ये कहना चाह रहा है प्रूव करो इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट समझ आई बात तो बेटा मेरे को इनकम मेथड से एनडीपीएट एफ सी निकालना है फॉर्मूला याद होना चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रेंट एंड रोयलिटी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम ठीक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज बेटा वेजेस एंड सैलरी गिवेन है थ्री फोर सिक्स जीरो प्लस रेंट एंड रॉयलिटी, नहीं बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे डायरेक्टली गिवेन है इन तीनों की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस ने ले लिया है नाम क्या है फिगर है थ्री सेवन प्लस मिक्सड इनकम गिवेन है हंड्रेड ठीक है देखे जरा आ रहा है कि नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है ये सेवन थ्री डबल जीरो ही आ रहा है तो हमने प्रूव कर दिया जो इनकम जनरेट हो रही है इनकम मेथड से और बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है वो बिल्कुल बराबर है ठीक है अब हमने दो नोमरिकल और करने हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी फाइव कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस लेकिन बेटा अभी आराम से देखना जरा नोमेरिकल में बहुत ज्यादा पेचेस ठीक है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन क्या है सेल्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेंट इंटरेस्ट नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन ऑफ एक्स कैपिटल एंड मिक्सड इनकम ठीक है बाबू मैंने डेटा देखा मुझे तो यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड मेथड की भी फिगर मेरे को दी हुई है दी हुई है ना मुझे सेल्स भी दी हुई है मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐसे करके डेटा दिया हुआ है, जिसमें दो तीन फिगर कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड मैथड की है यानी कि बेटा कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन मैथड का कोई यूज तो होगा देखो एक बात समझो जब वो कहता है मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो ठीक है निकलता है इनकम मैथड से फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस ठीक है ठीक तो है परेशानी पता है क्या मुझे यह तो पक्का गिवन है क्वेश्चन में यह भी गिवन है मुझे यह भी नहीं पता मुझे यह भी नहीं पता जब मुझे यहां तक पहुंचना है बेटा तो एनडीपीएटी पता होना चाहिए बेटा मैं तक पहुंचूंगा लेकिन उसको एनडीपीएफ में कन्वर्ट करना अभी आपने देख लिया ना पिछले क्वेश्चन में at FC दोनों method का बराबर होगा ठीक है ना तो वहां से वैल्यू एडेड मैथड से एनडीपीएटसी निकालो एनडीपीएटसी की फिगर यहां पर पुट करो ये दोनों फिगर पुट करो और बेटा यू कैन कैलकुलेट इजली द ऑपरेटिंग सो प्लस ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट वैल्यू एडेड मेथड का ही फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजन ठीक है चलो जी क्या दे रखा है मेरे को सेल्स गिवेन फोर थाउजेंड और माइनस कर दो बेटा इंटरमीडिएट कंजन ठीक है विच इज थर्टी फोर हंड्रेड ये आ गया बेटा जीडीपी एट एमपी ठीक है इसको कन्वर्ट करो एनडीपी एट एफ सी में मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफ सी मुझे गिवेन है जी डी पी एट एम पी जी को कन्वर्ट करने के लिए एन में माइनस डैप एम पी को एफ सी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एन आई टी ठीक है थर्टी फोर हंड्रेड माइनस डेप्रीसिएशन बेटा सेकेंड लास्ट फिगर है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल टू हंड्रेड माइनस एनआईटी बेटा एनआईटी डायरेक्टली गिवेन है सिक्स फिगर विच इज फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड लेस कर दो एनडीपीएट एफ सी इज टू सेवन डबल जीरो ठीक है? आ गया इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एंप्लॉइज गिवेन है गिवेन है सेकेंड फिगर एट हंड्रेड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्सड इनकम विच इज फोर हंड्रेड बेटा ये 1200 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा एंड ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी द 2700 सेवन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व आंसर एस 1500 क्या क्लियर है मैं इस बात पर ठीक है लास्ट न्यूमेरिकल आज का कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस और हमें दिया क्या हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है एन दिया है और वेजेज एंड सैलरी डेटा तो बहुत ही कम दिया है और अगेन सेम प्रिंसिपल पे है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है वेजेज एंड सैलरी पता है पता ये भी नहीं है तो ये जीरो एज्यूम हो जाएगा ठीक है और बेटा ये भी नहीं पता ये कैलकुलेट किससे होगा अगेन पहली एडिड मेथड से सेम प्रिंसिपल पर है सेम प्रिंसिपल पर करते हैं बहुत जल्दी से सॉल्व दिस को ठीक है मैं फिगर ही बस रब कर देता हूं यहीं से कैलकुलेट कर दूंगा ठीक है ओनली द ग्रेट मैन ऑफ ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट आप नहीं कर सकते अपनी कॉपी में से ठीक है वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन इज 70000 ठीक है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 18000 ठीक है बाबू डिडक्ट करोगे कितना आएगा फिफ्टी टू थाउजेंड विच इज जी डी पी एट एम पी जी डी पी एट एम पी को कन्वर्ट करेंगे एनडीपीएट एफ सी में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो जीरो एन आई टी डायरेक्टली गिवन है थ्री थाउजेंड तो डिडक्ट कर दिया एनडीपीएट एफ सी इज फोर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है फिगर पुट करो फोर्टी नाइन थाउजेंड इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज यानी कि वेजेस एंड सैलरी मेरे को दी हुई है इन्होंने ठीक है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्सड इनकम इज नॉट गिवन तो जीरो ये फिगर इधर आ जाएगी माइनस में हो जाएगी तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा बेटा ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है अभी बेटा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कल रह गया था वैल्यू एडेड मेथड का ही पार्ट समझो पेपर में कई बार शॉर्ट नोट आता है ठीक है तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कुछ दो से तीन मिनट का टॉपिक है बहुत आराम से समझने की कोशिश करना ठीक है मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे कि क्या है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बाबू लो जी सब सामने देखना जरा मेरी तरफ बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पहले इस, इसका मतलब समझो क्या मतलब है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या चीज होती है काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस जब आप बेटा किसी आउटपुट को एक से ज्यादा बार जोड़ने की कोशिश करते हो वही प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की होना क्या चाहिए वाइल अराइविंग एट द नेशनल इनकम यू मस्ट एड आउटपुट एट वंस ओनली लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो बेटा हर प्रोड्यूसर यह समझता है जो उसने वो गुड्स बेचा है वो फाइनल आउटपुट है हर प्रोड्यूसर यह समझता है ठीक है उसको नहीं पता कि कौन कस्टमर खरीद कर गया अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे उसको लगता है मैंने तो फाइनल बेची है बेटा अगर मैं यहां सोचू कि सबने फाइनल कॉमोडिटी बेची है फार्मर सोचे अच्छा मैंने तो फाइनल प्रोडक्ट बेचा है फाइव हंड्रेड अगर मिलर सोचे मैंने तो फाइनल प्रोडक्ट बेचा सेवन हंड्रेड और अगर सोचे बेकर की मैंने तो फाइनल प्रोडक्ट बेचा है ठीक है जी बाबू आप समझो ये तो आपका जीडीपी बना देंगे ट्वेंटी टू हंड्रेड लेकिन प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फ्लोर में व्हीट की वैल्यू इंक्लूडेड है और ब्रेड में फ्लोर की वैल्यू इंक्लूडेड है यही है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग काउंटिंग ऑफ आउटपुट मोर देन वंस एक से ज्यादा बार ऐड करने की कोशिश करना और प्रॉब्लम क्यों आती है बेटा क्योंकि हर इंसान को लगता है वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट है ठीक है ना होना क्या चाहिए वाइल अराइविंग एट द नेशनल इनकम यू मस्ट एड द आउटपुट एट वंस ओनली समझ में आई बात तो बेटा कैसे खत्म किया जा सकता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को बाय टू मेथड दो रास्ते हैं आपके पास ठीक है एक रास्ता है बेटा वैल्यू एडेड मेथड। और एक रास्ता है बेटा आपके पास फाइनल आउटपुट मैथड बोलते हैं ठीक है मैं सॉल्व करके बताता हूं आप दोनों ही मैथड आपको कैसे निकल सकते हैं ठीक है बाबू एक तो रास्ता है वैल्यू एडेड मैथड कल भी कर रहा है और आज भी कर ही रहे हैं इसको वैल्यू एडेड मैथड फॉर्मूला क्या होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन ठीक है तीन एंटिटी है मेरे सामने एक है फार्मर एक है मिलर और एक है बेकर ठीक है बेटा फार्मर ने अपना आउटपुट 500 में बेचा हमारे एग्जांपल में इसकी कोई कंजम्पशन नहीं है तो इसका वैल्यू एडेड कितना आया 500 मिलर के पॉइंट ऑफ तो व्यू से सोचो तो इसने अपना फ्लोर 700 में बेचा लेकिन इसने व्हीट खरीदी थी व्हाट इज द वैल्यू एडिशन बाय द मिलर 200 हंड्रेड 500 का सामान खरीदकर सात का बेच रहे हो आप तो दो सौ रुपए ही ऐड कर रहे हो ठीक है बेटा फ्रॉम द बेकर ऑफ व्यू उसने एक हजार रुपए की ब्रेड बेची है सात सौ रुपए का फ्लोर आटा खरीदा है वट इज द वैल्यू एडेड बाय द बेकर थ्री हंड्रेड बेटा देखो क्या होना चाहिए जी डी पी फाइव हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड ये है वैल्यू एडिशन मेथड जो बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का एक सॉल्यूशन है दूसरा एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है फाइनल आउटपुट मेथड। यह कैसे निकलता है बेटा यह सबसे सिंपल है यह कहता है आपको कुछ नहीं देखना जब भी आखिरी में किसी फॉर्म ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा वो देख लो बेटा हमारे एग्जाम्पल में ये है फाइनल इसने बेचा है, बेकर ने बेचा है फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट कहता है बस कुछ नहीं करना ये वैल्यू जोड़ लो, सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की इसमें वैल्यू जोड़ी सीधा थाउजेंड खत्म कहानी कोई ही नहीं लगाना तो बेटा ये दोनों सॉल्यूशन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है कल मिलते हैं बाय बाय